नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ओकासेट टैबलेट के बारे में, जो कि सिप्ला का एक प्रोडक्ट है और बहुत ही चलने वाली दवाई है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है और इसको कैसे खाना है, डोज क्या है इसका। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों जो ओकासेट टैबलेट है, इसमें पाया जाता है सिट्रीजिन 10 mg। प्रति टैबलेट में सिट्रीजिन 10 mg पाया जाता है, और सिट्रीजिन एक एंटीहिस्टामिन टैबलेट है, और एंटीहिस्टामिन टैबलेट का काम होता है, एंटीहिस्टामिन मेडिसिन का काम होता है, जब हिस्टामिन का सेक्रेशन बॉडी में ज़्यादा होता है तो उसको कम करना, उसको कंट्रोल करना। जब हिस्टामिन का सेक्रेशन होता है हमारे बॉडी में, तब हमारे बॉडी में एलर्जी की मात्रा बढ़ जाती है, तब खाज खुजली होती है, बॉडी पर रैशेज होने लगता है, आंखें लाल हो जाती है, नाक से पानी निकलता है, खांसी होती है, बॉडी पर इचिंग होती है। और ये होने के लिए कौन जिम्मेदार है? हिस्टामिन। हिस्टामिन का सिक्रेशन अधिक होने की वजह से बॉडी पर ये सब कुछ होता है। साथ साथ जब बॉडी पर इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, साथ साथ फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, अन्य पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उस समय भी वहाँ पर खुजली हो सकती है। खुजली होने का कारण है बाहरी वातावरण का होना, वातावरण में किसी भी प्रकार का अशुद्धि का होना, या फिर वातावरण में मौजूद किसी प्रकार का केमिकल या परागकण आदि का होना भी खुजली या एलर्जी होने का कारण है। इसकी वजह से जो हिस्टामिन का सेक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, और तब सिट्रीजिन टैबलेट जो है एंटीहिस्टामिन का काम करता है, हिस्टामिन का सेक्रेशन को ब्लॉक कर देता है। देखिए, जो हिस्टामिन का सेक्रेशन होता है उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार होता है खान पान, उसके बाद कोई मेडिसिन अगर लेते हैं आप, वो आपको रिएक्ट कर रहा है तो उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। साथ साथ वातावरण अगर शुद्ध नहीं है, वातावरण में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपको शूट नहीं कर रहा है तो आपको एलर्जी हो सकती है। साथ में धुआँ है, धूल है, उससे आपको एलर्जी हो सकती है। जो परागकण है वो जब हवा चलती है तो उस समय परागकण आपके सांस नाली में चला जा सकता है, आपके बॉडी के किसी भी भाग में घुस सकता है, आँख में घुस सकता है, कान में घुस सकता है, तो उस समय भी आपको खुजली हो सकती है। कुल मिलाकर के बॉडी में कहीं भी खुजली हो तो आप वहाँ पर ओकासिट टैबलेट यानी कि सिट्रीजिन टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल बड़े बुजुर्ग महिला सभी कर सकते हैं। बच्चों को ये टैबलेट डॉक्टर की सलाह से ही दी जानी चाहिए। वैसे तो इस दवा को लेने के लिए किसी डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से इस टैबलेट को लेना चाहिए। जिनको क्रॉनिक बीमारी है, डायबिटिक पेशेंट है, जिनको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, पैनक्रियास से संबंधित कोई बीमारी है, तो उनको सिट्रीजिन टैबलेट लेने से पहले डॉक्टर से, विशेषज्ञ डॉक्टर से जिनसे उनका इलाज चल रहा है, उनसे सलाह लेकर के ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना उनको कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। आमतौर पर साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो सिट्रीजिन टैबलेट से नींद ज़्यादा आती है, बीपी लो होता है, उल्टी उबकाई आ सकती है। सबसे ज़्यादा समस्या जो होती है इसकी, नींद ज़्यादा आना, नींद ज़्यादा आने की वजह से मुंह सूखता है, पानी ज़्यादा पीते हैं, भूख भी ज़्यादा लगती है, तो उस समय पेट भी गड़बड़ हो जाता है। तो ये मेन साइड इफ़ेक्ट है इसका। उन लोगों को जो कि हैवी काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में वर्कर है जिनको हैवी मशीनरी चलाना होता है, या फिर कोई ड्राइवर है जिसको लॉन्ग टूर पे जाना होता है, तो उन लोगों को सिट्रीजिन लेने से बचना चाहिए, या फिर जब सिट्रीजिन ले तो उस समय उसके असर रहते उनको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। तो सिट्रीजिन टैबलेट जो कि बहुत अच्छा टैबलेट है, इसका वैसे तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इसका डोज लेना चाहिए, लेकिन आमतौर पर डॉक्टरों द्वारा इसका एक टैबलेट सुबह शाम या फिर सुबह दोपहर शाम तीन टाइम भी दिया जा सकता है। आमतौर पर इसका एक टैबलेट लेने से ही जो एलर्जी है वो कंट्रोल में रहता है।
अगर बच्चों की बात है तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा है 5 से 10 साल के बीच का है तो उसको सिट्रिजिन का ज़रूरत पड़ने पर आधी टैबलेट दिया जा सकता है, या फिर कोई बुज़ुर्ग है जो कि कमज़ोर है उनको आधी टैबलेट दे सकते हैं, आधी टैबलेट ही उनके लिए पर्याप्त है। पूरी टैबलेट देने पर उनको कई दिन तक नींद आती रहेगी तो इससे उनके नर्वस सिस्टम पर असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर आएगी, बीपी उनका लो हो जाएगा, उठ नहीं पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, बीपी लो हो जाएगा और जिसकी वजह से उनको चक्कर आ सकता है और चक्कर आने पर उनको कई सारी और परेशानी भी हो सकती है, चोट लग सकती है। तो सिट्रिजिन टैबलेट बहुत ही अच्छा टैबलेट है और ओकासेट जो है सिप्ला का एक प्रोडक्ट होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली है और इसका फ़ायदा भी होता है, काफ़ी यूज़फुल टैबलेट है। तो इसके बारे में जो भी मैंने संक्षेप में जानकारी दी है शायद आपको अच्छी लगी होगी और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।